मेरा नाम डॉक्टर इफ्तिखार बरनी है और मैं अलखिदमत राजी अस्पताल का मेडिकल डायरेक्टर हूँ। अलखिदमत राजी अस्पताल का क़याम अब से 3 साल पहले अमल में आया था और इब्तदा में ये तसव्वुर था कि यहाँ माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से सहूलियात मुहैया की जाएँ। इसमें दूसरे शोबों को हम शामिल करते गए और आज अमली सूरत हाल ये है कि यहाँ पर 27 शोबे मौजूद हैं और हम बहुत जल्द मजीद शोबों का भी इजाफा करने वाले हैं। मरकज़ अमराज़ कल्ब कायम होगा, गुर्दों की सफाई या डायलिसिस का इफ्तिताह किया है और वो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से जारी है और बहुत जल्द हम यहाँ पर न्यूरोसर्जरी और आर्थोपेडिक्स यानी हड्डी जोड़ के भी बड़े ऑपरेशंस का आगाज़ करने वाले हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए हमें लोगों को खून की फराहमी की बाज़ोकात ज़रूरत पड़ती है और बदकिस्मती से हमारे पास कोई ब्लड बैंक इस वक्त मौजूद नहीं है और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक मियारी ब्लड बैंक कायम किया जाए जिसमें 2 से 2.5 मिलियन का तकरीबन ख़र्चा आएगा। और इसके अलावा जो मज़ीद शोबे हम यहाँ कायम करने जा रहे हैं वो सारे शोबे भी लोगों के तआवुन ही से चल सकते हैं। तो हम अपने तमाम साथियों से, मुख़य्यर हज़रात से गुजारिश करेंगे कि हमारे साथ तआवुन करें। रमज़ान का महीना भी करीब है तो उस वक्त जो है हम चाहेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें ज़कात और अतियात जो है फराहम करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात लोगों को मुहैया कर सकें।